विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा उपचुनाव में भी हार का सामना करने के बाद अखिलेश यादव ने अब समाजवादी पार्टी को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया है। अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा गया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तत्काल प्रभाव से सपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा एवं अन्य प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय, राज्य, जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी को लेकर अखिलेश यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है और बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम का पद अभी बहाल रखा गया है। वहीं विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद से ही कार्यकारिणी भंग करने की संभावना जताई जा रही थी। बताया जा रहा है कि पार्टी कार्य परिषद के सम्मेलन के बाद नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। तो जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 83% मुस्लिम सपा के साथ थे, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। रामपुर और आजमगढ़, इन दोनों सीटों पर लोकसभा उपचुनाव में BJP ने जीत हासिल की है और ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। कहा जा रहा है कि BJP ने उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के MY फैक्टर को तार तार कर दिया है, जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने पार्टी को लेकर ये सबसे बड़ा फैसला लिया है और अब नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, UP तक।